हरी जलचुंबी है जो तालाबों में बहुत ज्यादा पाई जाती है, जिससे हमारा तालाब भी गंदा हो जाता है और पानी को सोख लेता है। हम ये जलकुंभी का प्रोडक्ट आसाम गुवाहाटी से सीख करके आए हैं और मैं यहाँ पर कई जगह मेले में है, बाहर है, सारे प्रोडक्ट बाहर बेच रहे हैं। तो आज मैं यहाँ पे गोमती गंगा में अपने बहनों को सिखा रही हूँ। इसको पहले हरे से हमें हर पेड़ नहीं काटने हैं, सिर्फ हमें जो पका हुआ थोड़ा थोड़ा पीला पत्ता आता है उसको काटना है। उसको काट करके फिर हमें इसको धोना होता है और धो करके फिर सुखाते हैं। सुखाने के लिए भी इसमें ओस नहीं पड़ना चाहिए, हम ओस से भी बचाते हैं। जब ये ओस से बचता है तब हमारा जा करके अच्छा जलकुंभी तैयार होता है। इसके बाद जब ये सूखने के बाद फिर इसको मैं प्रयोग में लेते हैं। तो एक मशीन है मेरे पास जिससे हम चटाई, बैग, गुलदस्ते, अनेकों चीज हम इससे बना सकते हैं और इसमें हमारी बहनों का रोजगार चलता है। एक बैग कम से कम 700, 800 और 1200 तक के बैग जाते हैं। तो अगर हमारी बहनें इससे सीखती हैं तो उनका रोजगार भी चलेगा और उनके घर का खर्चा भी चलेगा। और मैं सोचती हूँ कि हमारी सब बहनें हमारे साथ जुड़ें और आगे बढ़ें और उनका रोजगार बढ़ेगा तो मेरी भी खुशी होगी, मुझे भी खुशी होगी। और अपने आप जो दूसरे पति से जो पैसा मांगने की कोशिश करती हैं, पिता से पैसा मांगती हैं या अपने भाई से पैसा मांगती हैं, तो जो हमारी 18 और 20 साल की बेटियां हैं जो पढ़ाई नहीं कर रही या कर चुकी हैं, वो घर बैठ के काम कर सकती हैं। धन्यवाद, थैंक यू। टाइट करना पड़ेगा बेटे, ठीक है तुम्हारे सफाई तो ठीक है, थोड़ा टाइट करके रखोगे और सही आ जाएगा। पिन वगैरह है, थोड़े बहुत पिन फिर और मंगवा दे, मिलता होगा जहाँ कॉपी किताब मिलती है वहाँ पिन मिल जाएगी, है ना। ये तो देखो हकीकत की बात है कि जो अच्छा बनाने लगेगा उसका प्रोडक्ट बिकने लगेगा। कौन सा बैग मुझे दे के आए? वो डीएम साहब ने रख लिया, वो डीएम साहब रख लिए दोनों। कह रहे थे तुम दिखाने आई हो कि नहीं, अब देखो दोनों रख लिया। नहीं उसे मशीन से करके बनवा देते। नहीं उन्होंने रख लिया, कह रहे लगाना है और बढ़िया कपड़ा लगा के बढ़िया से बनाए। इसमें वो दो तीन लोग जो सिलाई जिनको सिखाया ना उनको भी इन्वॉल्व कर लो आप, अस्तर वगैरह लगाने के लिए, चेन लगाने के लिए, उनको इसमें से काम मिल जाएगा। जैसे अस्तर लगाना है तो वो सिलाई प्रॉपरली कर लेंगे और वो कटिंग कर लेंगे कि कपड़े के नाप आप लेना और वो सब और अगर कपड़े पड़े ना, ये वाला तिलक वाला ज्यादा महंगा आता है थोड़ा, इसमें थोड़ा नमूना बनाया था, इतना महंगा थोड़ी लगाएंगे।